खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। राज्य में चलाए जाते कृषक समग्र विकास योजना के अंतर्गत अन्नपूर्णा विकास योजना, नींबू के फल सड़न के समस्या पर तकनीकी उपाय, करेला विवेक वैरायटी, केला के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवतरी थे, अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मतलब बहुत फायदा हुई। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में राज्य पोषित कृषक समग्र विकास योजना के अंतर्गत अन्नपूर्णा योजना चलाए जाते। ये योजना में हितग्राही किसान के पात्रता पर अनुसूचित जाति जनजाति के लघु सीमांत तक किसान मल्ला प्राथमिकता दिए जाते। धान गेहूं और मक्का फसल के प्रमाणित बीज उपलब्ध करा के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना ये योजना के तहत उद्देश्य है। ये योजना के अनुसार किसान मल्ला फसल के अनाज के बदला में वो फसल उन्नत किस्म के बीज दिए जाते। एकर अलावा ओ मल्ला अनुदान घलाव दिए जाते जेमा बीज स्वावलंबन हो सके। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ले जान के किसान मन खेती करी तो मल्ला अच्छा उत्पादन मिली। नींबू के पेड़ में फल कम आए लगते, आए के बाद भी छोटे अवस्था में ही फल मन गिर जाते। ये समस्या हर जौन कारण से होते वो है पर परागण के क्रिया बने ढंग ले नहीं होए या ज्यादा मात्रा में नमी होए के कारण। ये समस्या के नियंत्रण पर तकनीकी उपाय है नमी संतुलन ले बचाव करना और एकर अलावा फल ल झड़े से बचाव बर अल्फा नेप्थिलिन एसिड और एसिटिक एसिड के छिड़काव हर सफल देखे गए है। अब खेती संबंधी खास खबर। कृषि विभाग द्वारा जैविक गांव के रूप में विकसित करे जाते, एकर बर मिड़भिंडा गांव ला चयन करे गए है। बस्तर जिला मा माकड़ी विकास खंड के गांव मिड़भिंडा ले जम्मू प्रदेश मा जैविक खेती के संदेश फैलाए के तैयारी करे जाते। अभियान के तहत चयनित अन्य गांव मा जैविक खेती ला बढ़ावा दे बर हर संभव मदद करे जाही। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एकर से समय श्रम और लागत तीनों के बचत होते। आलू के खुदाई करे के काम में एकर उपयोगी उपकरण आए पोटेटो ड्रिलर। ये उपकरण में 3 ब्लेड और 2 डिस्क लगे होते जेखर माध्यम ले आलू और माटी अलग अलग हो जाते। आलू के उत्पादन करैया किसान भाई मन ये उपकरण के उपयोग बहुतायत मात्रा में करते। पोटेटो ड्रिलर के बाजार मूल्य लगभग 40,000 रुपया हावय। एला प्रशासन कति ले अनुदान घलाव दिए जाते जेमा छोटे किसान मन घलाव ये उपकरण ला ले सकत है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। करेला के खेती करैया किसान मन ला एकर एक उन्नत किस्म के जानकारी देवत हन। ये किस्म के नाम है विवेक। विवेक किस्म के करेला हर संकर किस्म आए। एकर उत्पादन ज्यादा होए के कारण एकर लंबा साइज विवेक किस्म के करेला हर ज्यादा लंबा होते। एकर अलावा एमा कीट प्रकोप होए के भी संभावना बहुत कम होते। एक पौधा में ज्यादा फलन क्षमता वाला विवेक किस्म ह किसान मन बर बहुत उपयोगी हावे। सफलता अगर कोनो किसान ह नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते मिलते। ऐसने कारी देवत रामलाल भैया हर बताते के केला के बोआई करे बर पहली जमीन ल जोताई करके पाटा लगा के फिर कतार बद क्यारी एकर खेती कर तैयारी करके गए है। एक पौधा में लगभग 30 किलो के संभाव से 80,000 रुपया मुनाफा के अनुमान हावे। अपन ये सफलता ले ओहर दूसर किसान मन बर प्रेरणा के स्रोत बने हावे। आओ अब जानथन मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ला मिले जानकारी के अनुसार आसमान साफ है, साथ ही रात के तापमान में गिरावट होए के भी संभावना है। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलवो। तब तक बर जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव, आओ आज जानबो हमर प्रदेश के अलग अलग मंडी मा धान फल और सब्जी मन के का भाव है। आज सरायपाली कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1,120 रुपया प्रति क्विंटल। आज राजिम कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1,105 रुपया और अधिकतम 1,510 रुपया प्रति क्विंटल। आज नेवरा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1,235 रुपया और क्विंटल। आज धमतरी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1,199 रुपया और अधिकतम भाव 1,355 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर सब्जी मंडी में लौकी के बने आवक देखे गए हैं। वहां के व्यापारी मन बताए इनकी थोक भाव लौकी के 10 से 12 रुपया प्रति किलो और चिल्हर में लौकी के भाव 16 से 20 रुपया प्रति किलो है। अब बारी है मंडी समीक्षा की। आज सरायपाली कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज राजिम कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज नेवरा कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1,120 रुपया ले 1,440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1,099 रुपया ले 1,300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1,200 रुपया ले 1,328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मुला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान और उपग्रह से प्राप्त चित्र के अनुसार अभी आने वाले एक दो दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग और उसके साथ साथ रायपुर संभाग के कुछ स्थानों में और बिलासपुर संभाग के जांजगीर और रायगढ़ जिलों के ऊपर आंशिक रूप से बादल देखे जा सकते हैं। कुछ स्थानों में मध्यम बादल भी रहने का पूर्वानुमान है। तापमान की जहां तक स्थिति है तो अभी अधिकतम तापमान लगभग 29-30 डिग्री सेल्सियस के आसपास मैदानी क्षेत्रों में बने रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 18-19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, क्योंकि बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान सामान्य के अपेक्षा लगभग 5 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है। तो इस तरह से आने वाले 4-5 दिनों के दौरान मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि चूंकि अभी तापमान भी सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है, जो कि रबी की फसलों के लिए एक अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है इसका, तो इसलिए किसान भाइयों को सलाह है कि जहां पर भी सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं और रबी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई का प्रबंध करते रहें, जिससे कि जो माइक्रो क्लाइमेट है, सूक्ष्म जलवायु जिसको हम कहेंगे, वो उसमें परिवर्तन आता है और स्थानीय रूप से तापमान में कमी आती है। इसके अलावा चना की फसल में इस समय जो इल्ली कीट है उसका प्रभाव देखने में आ रहा है, तो प्रारंभिक नियंत्रण के लिए तो हम समन्वित कीट प्रबंधन की विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और यदि प्रकोप अधिक हो तो उस स्थिति में पॉलीट्रिन सी कीटनाशक दवाई 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 200 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका बराबर रूप से छिड़काव करें। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन धान जो कि अभी कंसा निकलने की अवस्था में है कई स्थानों में, ग्रीष्मकालीन धान में अभी तना छेदक का प्रभाव कई स्थानों में देखने में आ रहा है, तो इसके नियंत्रण के लिए भी प्रारंभिक अवस्था में हम प्रकाश प्रपंच का खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि प्रौढ़ कीट जो हैं वो प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं और उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि प्रकोप अधिक दिखाई दे
तो फोरेट दानेदार दवा जो है ये 10 किलो प्रति एकड़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसम की जानकारी के साथ कृषि सलाह में आज इतना ही, नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा कर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ क्या करूँ? हाँ मैं ऐसे ही करूँगा। हाँ अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी जी जी। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। नमस्कार, कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको प्रत्येक एपिसोड में कृषि संबंधी नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं। आज हम आपको लौकी की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कैसी करनी चाहिए, आइए इस विषय में और अधिक जानकारी लेते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी का स्थान कुछ प्रमुखता से है। इसे घिया के नाम से भी जाना जाता है और भारत में खास तौर पर बड़े पैमाने पर इसे उगाया जाता है। लौकी की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ये पाले को सहन करने में बिल्कुल ही असमर्थ होती है। लौकी की बुवाई गर्मी और वर्षा में की जाती है। लौकी को विभिन्न प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन उचित जल धारण क्षमता वाली जीवांशयुक्त हल्की दोमट भूमि इसकी सफल खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। वैसे उदासीन या न्यूट्रल भूमि जिसका की पीएच मान उदासीन हो, इसके लिए काफी अच्छी होती है। नदियों के किनारे वाली भूमि भी इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहती है। कुछ अम्लीय भूमि में इसकी खेती की जा सकती है।
पहले जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके उपरांत 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाया जाए तो बेहतर परिणाम सामने आते हैं। जलवायु और जमीन के मान से हमारा राज्य भी लौकी के लिए सोना है। यहाँ लौकी उत्पादन की विपुल संभावनाएं हैं। हमारे ही राज्य के कई किसान लौकी की खेती कर मौसमी लाभ कमाना शुरू कर चुके हैं। ये एक शुभ संकेत है। लौकी से सब्जी के अलावा मिठाइयाँ, रायता, अचार, कोफ्ते, खीर वगैरह बनाई जाती है। इसकी पत्तियों, तनों और गूदे से अनेक प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती हैं। लौकी का शारीरिक प्रभाव ठंडा होता है। सुपाच्य होने के कारण चिकित्सक रोगियों को इसकी सब्जी खाने की सलाह देते हैं। लौकी के फलों की आकृति 2 प्रकार की होती है, जैसे लंबी और गोल। आमतौर पर लंबी और पतली लौकी उगाने का प्रचलन ज्यादा है। लंबी लौकी की प्रमुख किस्में इस प्रकार हैं: पूसा समर, प्रोफेलिक लॉन्ग, सर पूसा मेघदूत, हिसार सिलेक्शन लंबी, पंजाब कोमल, पूसा नगीन वगैरह। और गोल प्रचलित किस्में इस प्रकार से हैं: पूसा समर, प्रोफेलिक राउंड, संकर पूसा मंजरी, हिसार सिलेक्शन गोल, पूसा संदेश वगैरह। किसान भाइयों, लौकी की खेती में जल प्रबंधन का बड़ा महत्व है। सिंचाई कब और कितनी मात्रा में करें, आइए जानकारी लेते हैं। लौकी की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.5 मीटर के करीब होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1 मीटर होनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन लौकी की फसल के लिए 4 से 5 दिन के अंतर में सिंचाई की जानी चाहिए, जबकि वर्षाकालीन फसल के लिए सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती, बशर्ते वर्षा पर्याप्त मात्रा में हो रही हो और वर्षा के न होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जरूरत होती है। जाड़े के दिनों में 10 से 15 दिनों के अंतर पर सिंचाई की जाती है। लौकी की फसल के साथ ही साथ अनेक प्रकार के खरपतवार भी उग जाते हैं, इनकी रोकथाम बहुत जरूरी है। इसके लिए जनवरी मार्च वाली फसल में 2 से 3 बार और जून जुलाई की फसल में 3 से 4 बार निंदाई की जानी चाहिए। लौकी की खेती में खाद प्रबंधन का बड़ा महत्व है। खाद कब और कितनी मात्रा में डालें, आइए जानकारी लेते हैं। मृदा की जांच कराकर खाद और उर्वरक डालना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त होता है। यदि किसी कारणवश मृदा की जांच न हो सकी हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर 46 से 60 टन गोबर की खाद, 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 17.5 से 44 किलोग्राम तक पोटाश डालनी चाहिए। खेत की प्रारंभिक जुताई से पहले गोबर की खाद को समान रूप से बिखेर कर ट्रैक्टर या मिट्टी पलटाने वाले हल से जुताई करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय ड्रिल या पूरे की सहायता से भूमि में डाला जाना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर 2 भर में 4 से 5 पत्तियां निकल आने पर और फूल निकलते समय उपरिवेशन या टॉप ड्रेसिंग के द्वारा पौधों के चारों ओर देना चाहिए। ऐसा करने से अधिक पैदावार मिलती है। लौकी की फसल को मंडप विधि से किया जाना अधिक फायदेकारक होता है। इससे फल लगातार जमीन के संपर्क में नहीं आते और उनके खराब होने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। साथ ही इस विधि के और भी दूसरे कई लाभ हैं, मतलब फलों और पौधों का निरीक्षण किया जा सकना और भी आसान हो जाता है। इस विधि से खाद प्रबंधन और कीट नियंत्रण में भी आसानी होती है। ग्रीष्मकालीन लौकी को जनवरी मार्च महीने में बोया जाता है और वर्षाकालीन फसल के लिए जून से जुलाई का महीना सर्वश्रेष्ठ होता है। जून जुलाई में बोई जाने वाली लौकी की फसल के लिए बीज की मात्रा की दर 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। तरिया के पार खड़े आमा पेड़ के छैया तय बन गया बेगोरी सोन के चिड़ैया, तय बन गया बेगोरी सोन के चिड़ैया, दरिया के पार खड़े आमा पेड़ के छैया, तय बन गया बेगोरी सोन के चिड़ैया, तय बन गया बेगोरी सोन के चिड़ैया। Thank you.
हर 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 पावन चले घाम लालिया वै वो घाम लालिया वै झिनुरी झिनुरी झिंगुरा करे पड़की मन भावे वो पड़की मन भावे झिनुरी झिनुरी झिंगुरा करे पड़की मन भावे वो पड़की मन भावे झप झप नींद मोलाया वे नींद मोलाया वै पलंग के सुतैया तय बन गया बेगोरी सोन के चिड़ैया तय बन गया बेगोरी सोन के चिड़ैया माया बांधे पानी संग माये तरिया के मछरी वो ये तरिया के मछरी माया बांधे पानी संग माये तरिया के मछरी वो ये तरिया के तूला देखत हवाओं आना पानी धर के गगरी वो पानी धर के गगरी तूला देखत हवाओं आना पानी धर के गगरी वो पानी धर बकुला के भाग जागे बकुला के भाग जागे सुखा के रहैया तय बन गया बेगोरी सोन के चिड़ैया तय बन गया बेगोरी सोन के चिड़ैया मुलाते हाँ पानी पी दे तोर संग रिंगा के वो तोर संग रिंगा के मुलाते हाँ पानी पी दे तोर संग रिंगा के वो तोर संग रिंगा के लोहा यसन काया जल के माया माँ भुंजा के वो माया माँ भुंजा के लोहा यसन काया जल के माया माँ भुंजा के वो माया माँ भुंजा के लिखी हवे मोर गवाही लिखी हवे मोर गवाही गाना के लिखैया तय बन गया बेगोरी सोन के चिड़ैया तय बन गया बेगोरी सोन के चिड़ैया दरिया के पार खड़े आमा पेड़ के छैया तय बन गया बेगोरी सोन के चिड़ैया 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 किसान भाइयों आज के लिए बस इतना ही अगले अंक में नए विषयों के साथ फिर उपस्थित होंगे नमस्कार